हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे सभी लोग और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो गाइस, सुबह के 9:30 से थोड़ा ऊपर हो रहा है टाइम। आज बनाने के लिए बेटू ने कहा है उपमा, तो मूंगफली लगभग 2 मुट्ठी मैंने यूज़ की हैं। मूंगफली फ्राई हो गई है, उनको निकाल लिया है एक प्लेट में और अब फ्राई करेंगे चना दाल। दरअसल ये वो जो आप लोग घर में कुक करते हैं ना दाल, ये वो वाली है, रोस्टेड चना दाल नहीं है, जिससे हम लोग दाल बनाते हैं वो दाल है। तो इसको भी करेंगे फ्राई। आप चाहें तो उड़द दाल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं चना दाल यूज़ कर रही हूँ। अब डालेंगे इसमें राई, लगभग 3 चुटकी राई डाल दी है मैंने, और डालेंगे प्याज और मिर्च कटी हुई, इसको भी गोल्डन ब्राउन कर दिया है। अब डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता तो ज़रूर डालें, वरना इसमें वो मज़ा नहीं आएगा, तो कड़ी पत्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसको भी चलाएंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब हो गई है, मतलब लगभग पिंक पिंक सी हो गई है थोड़ी, तो उसमें ऐड कर दिए मैंने थोड़े से मटर गाजर, थोड़ा हेल्दी बन जाएगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि काजू, बादाम या फिर किशमिश, बट मेरा बेटा नहीं खाता इसलिए मैं नहीं डालूंगी। और मैंने इसमें सूजी डाल दी है छोटी कटोरी लगभग, और अच्छे से उसको भून लिया है, मतलब फ्राई करा है, तो अब ये हो गई है गोल्डन एकदम। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा ये पक सके। जैसे हम लोग हलवा पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही पानी डाल दिया है मैंने इसमें। कवर करके लगभग 10 मिनट पकाएंगे इसको। और आज हस्बैंड ने बोला है कि थोड़ा सा मेरे को लिक्विड ही चाहिए, मतलब ढीला ढीला चाहिए, तो मैंने हल्का सा ढीला रखा है इसका कंसिस्टेंसी। आज आप देख सकते हैं हल्की ढीली ढीली लग रही होगी। और मैंने जब तक उपमा बनाया, हस्बैंड जी ने तैयार कर दी है चाय। हालांकि इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट फिर भी चाय से क्या है ना, थोड़ा नींद वाला जो हिसाब होता है ना वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि सुबह वरना आलस ज़्यादा आता है। चटनी वगैरह भी ले ली है और लेके जा रही हूँ हस्बैंड जी के पास। तक जाएगा ना ये वीडियो कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, तो पता चल जाएगा आपको खुद ही। देखो मम्मा नाश्ता ले, जल्दी आओ, चलो ब्रेकफास्ट करो, चलो आप पढ़ाई बाद में करेंगे। तो गाइज हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, आप लोग भी कर लीजिए। और हस्बैंड तो मेरी आजकल उड़ाने में लगे रहते हैं, अभी भी देखना ये मेरी हंसी उड़ाएंगे और हम इनकी तरफ देखते ही रहेंगे। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्यों ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह के 11, हालांकि नॉर्थ के 11 यानी समझ लीजिए दोपहर के 4 बज रहे हैं। इतनी धूप यहाँ पे हो जाती है 11 बजे तक कि पूछो मत। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दरअसल बैठी कहाँ पे, ये बैकग्राउंड आप लोगों ने शायद ही कभी देखा हो, बिकॉज़ ये जो हमारे 2 बाहर वाले रूम्स हैं ना, ये वो रूम है और इसमें पापा और मम्मी मतलब जब क्वारंटीन हुए थे ना तो यहीं सोते थे। मम्मी का बेड देखिए कितना ऊँचा लगाया हुआ है, ये देखिए, ये जिसमें मैं बैठी हुई ये पापा का बेड है, मम्मी का ये ऊपर वाला है। पूछे क्यों? क्योंकि हस्बैंड के मेडिकल वाले जो बेड नहीं होते ये वो वाले हैं, तो ये दोनों 2 है, मतलब उनको जोड़ के मम्मी के लिए ऊपर बिस्तर लगा दिया था। इस पर बेडशीट तो मैंने चेंज करी है अभी, बिकॉज वो जो मम्मी और पापा जिस पे सोए थे वो वाली तो हटा दी थी, वॉश उड़े डाल दी थी, इस पर मैंने भी बेडशीट लगा दी है। बात ये ना, हस्बैंड कई बार क्या है ना, दिन में कुछ अकेले में कुछ काम करना चाहते हैं और डिनो उनको परेशान करता है, तो वो यहाँ आके बैठ जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। कुछ बाहर से मैंने मंगाया उनसे, तो वो कुछ लेने गए सामान वगैरह, तो मैं बाहर निकली थी उन्हें बोलने के लिए कि ये और लेते हैं ना, वो और लेते हैं ना, तो इतने मेरे को लगा घर में ना जाके मैं इधर चली जाती, क्योंकि बेटू ना बहुत तेज टीवी चला लेता है, बात नहीं करने देता है, तो मैं भी एकांत में आके आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ। वैसे आप लोग को लग रहा होगा आज मैं किसी और के घर में हूँ, दरअसल ये घर मेरा ही है, लेकिन आपको लग रहा होगा यहाँ क्या है ना, एक तरीके से आप स्टोर रूम समझ लीजिए इसको, बहुत सारे ताम झाम ऐसा कुछ जैसे कुछ फालतू वालतू चीज़ें रखी हुई हैं, मम्मी की बहुत पुरानी टीवी रखी हुई है, कुछ ये इनके सब ये सब चीज़ें इनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ गिफ्ट आइटम्स रखे हैं, मन करेगा तो यहाँ सो जाएंगे, पुराना वाला सोफ़ा रखा हुआ है। लोगों को क्या कहते हैं, ज़्यादा आवाज़ ना लगे फ़ैन की, तो मैंने अभी फ़ैन ऐसा चल रहा है बिल्कुल 2 नंबर पर, और अभी घर में अगर 2 नंबर पर फ़ैन चलाऊँगी ना तो बहुत गर्मी लगती है, तो यहाँ ये शायद रूम कुछ ठंडा है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ पर अच्छा लग रहा है बैठने में, और हो सकता है हम यहाँ दोपहर में सो भी जाएं, लेकिन वही है ना, अभी उनके डैडी है नहीं और घर हमारा खुला हुआ है और डीनो अकेले हैं, तो यहाँ नहीं सोया जा सकता। ब्रेकफास्ट वगैरह तो हो गया है हमारा,
वैसे डिनर नहीं खाते हैं, ब्रेकफास्ट में जो भी उसको देती हूँ ना हमेशा खाता है, छोड़ देता है, पर उपमा उसको थोड़ा पसंद है तो जितना कटोरी में दिया था पूरा खा लिया उन्होंने और उन्हें अच्छा भी लगा था। तो ब्रेकफास्ट अभी कुछ टेंशन नहीं है, दोपहर का देखूंगी क्या बना, पुलाव बनाऊं कि क्या बनाऊं, क्योंकि कल मैंने दोपहर में रोटी बनाई थी, रोटी और सब्जी रायता, तो आज मैं सोच रही हूँ कि पुलाव और क्या कहते हैं वो जो कौन सा रायता होता है, वो जो प्याज टमाटर डाल के वेजिटेबल रायता बनाते ना वो। गाइस हस्बैंड जी लौट आए हैं और इन्होंने जैसे देखा मैं इधर हूँ, क्योंकि मैं इधर ही बैठी थी, यहीं पे रेस्ट कर रही थी 15-20 मिनट से, तो देखा ये जब मैं यहाँ पे हूँ तो फिर ये कैसे वहाँ रह पाती है, तो ये भी यहीं आ गए अपना काम वगैरह लेके। कुछ गुड मॉर्निंग वगैरह कर ली, गुड मॉर्निंग चल रही है, अच्छा कि भाई 12 बजे नहीं है तो गुड मॉर्निंग ही है अभी। तो गाइस पानी जरा पानी पीना दे दे, जब इतनी पंजाबी खराब हो चुकी है तो जरा सोच रहे हैं कि थोड़ा सुधारें उसने, इसलिए अब से पंजाबी विच ही बात करांगे, तभी तो थोड़ा रिदम में आ पाएंगे। तैनू करांगे मैंने गलत बोल रहा हूं, मैंने समझ ना पावांगे, ऐसे नहीं होती है, जरा बात करांगे पंजाबी दे विच तैनू समझ आवे या ना आवे। टेक वाटर, तैनू तैनू खाने की बोले हैं तो मैं पानी मांगे हैं, रहन दो तुम, रहन दो तुम्हारे बस की ना है पंजाबी, पंजाबी सिर्फ मेरे बस की है, लाओ। गर्मियां दे विच बस पानी दा स्वाद है और किसी चीज़ का स्वाद नहीं हैगा। एंड ये साड़ी खास आदत है कि जब असी खाना खान बैठते हैं तो एक लीटर पानी पी जाते हैं, इसलिए तो देखो इनकी स्किन और मेरी स्किन में कितना ग्लो है, इनकी स्किन में एकदम कुछ ग्लो नहीं है। तुझे जो कहना है क्या? पंजाबी हो तेरा ग्लो, जहाँ ग्लो क्या गिलो पिया है, गिलो गिलो नहीं पीना, मैं ग्लो की बात कर रही हूँ, क्योंकि असी बहुत सारा पानी पीते हैं, एटलीस्ट 4 लीटर इन अ डे पीते हैं तो असी ग्लो करते हैं। 4 तो मैंने कम ही बोल दिया, मैं तो पानी का मगरमच्छ हूँ, ज़्यादा ही पीती हूँ मैं, ऑलमोस्ट 5-6 लीटर, क्योंकि 1 लीटर पानी तो मेरे को एक साथ ही चाहिए खाने के साथ, और बीच बीच में भी स्नैक्स हुआ या कुछ हुआ तो मेरे को पानी चाहिए ही चाहिए। गर्मियों में बहुत पानी पीती हूँ, क्योंकि मेरा तो सर्दियों में भी आराम से 4 लीटर में पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं पानी का जो स्वाद है ना वो उसका कंपैरिजन मेरे को किसी के साथ भी मतलब लगता नहीं है। आज क्या कैमरे पे पानी पीना है? पानी पीएंगे इससे क्या लोग सीखेंगे कि पानी गर्मी में कितना पीना चाहिए, समझ रहे हो बात को? हो सकता है पानी पीने का ही चैलेंज हो रहा हो, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ, देखते हैं तू कितना पिएगा मैं कितना पीऊंगा। मेरे से ज्यादा का पानी ना पूरा खाना कोई नहीं पी सकता है, तो मैं पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे को चाय के साथ भी पानी चाहिए। ये बोल दे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं पी सकता। यस और गाइस मैं मजाक नहीं कर रही हूं, जरा आप लोग बताओ चाय के साथ कोई पानी पीता है? गर्म चाय इधर ठंडा पानी। वेट, हो सकता है मेरे इसी आदत की वजह से मुझे फीवर नहीं आता है। दूसरों को टिप्स बताना कि आपको फीवर ना आए और कोई इन्फेक्शन ना आए, तो एक ग्लास में गरम, एक कप में गरम चाय ले लीजिए, एक फ्रिज का चिल्ड वाटर ले लीजिए, एक सिप चाय पीजिए, एक सिप ठंडा पानी पीजिए। ब्रेकफास्ट करते वक्त भी तो मेरा मजाक इसीलिए उड़ा रहे थे, क्योंकि मैं एक तरफ चाय का सिप लूं, फिर मैंने इनसे कहा बदल पानी देना, इन्होंने मुझे ग्लास में पानी डाल के दिया था, तो उसका रीजन वही है कि मेरे को चाय के साथ भी पानी चाहिए होता है, क्योंकि मैं साथ में कुछ खा रही होती ना तो मुझे पानी जरूर चाहिए, चाहे चाय मेरे पेट में जाए चाहे नहीं जाए पानी होना चाहिए। तो मे भी इसी वजह से मेरे को 3-3 साल बुखार नहीं आता, तो ये तुमको इसके लिए गर्व करना चाहिए, कल तुमने घी के लिए गर्व किया, आज तुम्हें इस बात के लिए गर्व करना। बहुत बहुत गर्व है, गर्व है, गर्व है। एक वो खाली कार्टून पड़ा है ना वो कबाड़े में, वो लाके दूं तुम्हें गर्व करने के लिए। गाइस हम बनाने जा रहे हैं लंच, मतलब दोनों ही मिलके बनाने वाले हैं, क्योंकि हस्बैंड भी पूरी हेल्प कराते हैं मेरी, और मेरी एक सब्सक्राइबर है वो कह भी रही थी कि दी जिनके हस्बैंड बहुत केयरिंग होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, वो लोग बहुत लकी होते हैं, मतलब वो लेडीज़ बहुत लकी होती हैं, और वो बात बिल्कुल फैक्ट है, मैं बहुत लकी हूँ जो ये मुझे मिले हैं। गाइस टाइम हो रहा है 1, दरअसल हम लोग कुछ ज़्यादा ही बैठ गए वहाँ पे, कब हमारा टाइम बीत गया हमें पता नहीं चला, 1 बज गया, तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से हेल्प कराए दे रहे हैं, हम खाना बनाए ले रहे हैं, गैस कर लेते हैं ऑन। तू हेल्प मत कर, मेरा लाइटर ना कभी नहीं मिलता है मुझे, ये रहा। चलिए गाइज बना लेते हैं पुलाव। तो अब गाइज बात नहीं करूंगी क्योंकि हेलीकॉप्टर चलाने वाली हूँ मैं, अब बहुत ज्यादा शोर शराबा होगा। तो गाइस कुकर हमारा हो गया गरम, डालेंगे इसमें अपने सारे खड़े मसाले, क्योंकि पुलाव में खड़े मसाले ना डालो तो मज़ा नहीं आता है। तो सरसों का तेल डाला है मैंने लगभग 2 चम्मच, ऑयल गरम हो गया है, डालेंगे उसमें बड़ी इलायची, अब डालेंगे इसमें 2 लौंग, 2 काली मिर्च,
और तेज पत्ता एक, एक दालचीनी छोटा टुकड़ा और थोड़ी सी राई और थोड़ा सा जीरा, ये सब डालेंगे। उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर इनमें प्याज और लहसुन और जिंजर ऐड कर देंगे, गोल्डन ब्राउन होने देंगे इनको। हमारे पुलाव में ना ये सब चीज़ें पड़ती हैं ना तो उसका अलग फ्लेवर आता है बिल्कुल, तो आप लोग डालना ना भूलें। हालांकि मैं इसमें कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी आज, लेकिन आप लोग ना डालना भूलें। बाकी सब्जियों में मैंने गाजर, मटर, शिमला मिर्च और आलू, बैंगन, ऐसे दो चार आइटम ले लिए। तो गाइज़ हमारा प्याज भुन चुका था तो मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए, लगभग 4 टमाटर। सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरीके से। आप चाहें तो पुलाव मसाला भी आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। गैस करेंगे इसको अच्छे से फ्राई, हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसमें और लगभग इसको 10 मिनट तक फ्राई करेंगे कवर करके अच्छे से। गैस हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, देखने में सुंदर भी लग रहा है। सब्जियां ऐड करेंगे और बस सीटी लगाएंगे चावल डाल के, क्योंकि लेट भी हो रहा है, 1:30 बज गया है और पतिदेव बहुत ज्यादा भूखे हैं और डीनो भी आइसक्रीम के लालच में बोल रहे हैं फटाफट से खाना दो। उनका क्या रहता है ना, खाना खाओगे, खाना फिनिश करोगे तो आइसक्रीम मिलेगी, इसलिए वो कह रहे हैं भूख लगी है बहुत ज्यादा। भूख भूख नहीं लगती है उनको, पर उनका आइसक्रीम का रहता है। सब्जियां ऐड हो गई हैं, मिक्स कर दिया अच्छे से। अब डालेंगे इसमें अपने चावल, मैंने पानी में सोख करके रखे थे लगभग आधे घंटे के लिए। अब इसमें भी पानी डाल देंगे, लगभग आधा लीटर पानी डाल के कर देंगे बंद इसको और एक सीटी आने का वेट करेंगे, बन जाएगा हमारा पुलाव। तो गाइस जब तक लग रही है सीटी कुकर में, यहाँ पे हम लोग अपना वेजिटेबल रायता रेडी करेंगे। तो मैंने प्याज टमाटर काट लिए हैं छोटे छोटे और इसमें खुद का बनाया हुआ दही डाला, एकदम फ्रेश दही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने ये मसाला डाल दिया है जो मैं गांव से लाई थी, यही मसाला मैं रायते में यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, ये मैंने भून के रखा हुआ है उसमें से मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये टेस्टी रायता बन चुका है, कुकर में सीटी आ चुकी है। कितना सोडा लग रहा ना, मुझे तो देख के भूख लग रही है। नहीं तो भूख ना लगे नहीं चाहिए। प्याज टमाटर वाला रायता बड़ा दिनों बाद खा रहे हैं हम। खा रहे नहीं, अभी खाना शुरू नहीं किया आपने। खाएंगे अभी तो खाएंगे। गाइज हम लोग जा रहे हैं लंच करने, आप लोग भी कर लीजिए। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? आइसक्रीम प्यारू खाएगी। बात ये ना, इन्होंने आज खाना मन से खाया है तो इनका बनता है। वो देखो ना, वो देखो आइसक्रीम तो। बेटे बेटे रुक जाओ, मैं तेरी हूँ, रुको, सब्र सब्र। एक स्पून और ला रही हूँ, अभी रुक जाओ। चलो बैठो। गाइस हम लोग का लंच वंच तो हो चुका है और अब ये डीनो है ना, जिद कर लेते हैं आइसक्रीम की आजकल, नहीं तो दोपहर में तो कोई आइसक्रीम नहीं खाता है। वैसे मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स को खिला दूं भाई, वरना अब मेरे को माफी नहीं मिलने वाली। तो गाइज अब ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ बिकॉज बहुत लंबा हो रहा है मेरा वीडियो। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल या फिर परसों, तब तक के लिए हनी को और इनको, बेटी को, सबको इजाज़त दे दीजिए। बाय बाय कर दो। बाय बाय करो बेटे।